मेरी दादी के हाथ का बुना हुआ स्वेटर कोई पहने ना पहने, लेकिन दादी हर सर्दी में स्वेटर जरूर बनाती है, पता नहीं किसके लिए। आज सुबह भी दादी आंगन में बैठकर स्वेटर ही बुन रही थी कि हमारे यहाँ पर आने वाला था टीटू। जब वो आया तो आंगन से गुजरते टाइम दादी की ऊन में उसका पैर फंसा और वो दादी के ऊपर जा गिरा। अब ये देखकर दादी ने विकराल रूप धारण करा और छड़ी उठाकर उसकी धुनाई कर दी। दादी की मार खाने के बाद टीटू किसी को पहचान नहीं पा रहा था, तो उसकी स्थिति पर मुझे काफी दया आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे अंदर बुलाकर उसके लिए कुछ बना दिया जाए ताकि वो अपने दर्द को आराम दे सके। नवरात्रि का टाइम था तो हमारे घर में तो सिंगारे के आटे के आलू लच्छा पकोड़े बने थे, तो मैंने उसे गर्मा गर्म क्रिस्पी करारे पकोड़े खिला दिए। पकोड़े खाने के बाद उसकी स्थिति में काफी सुधार आ चुका था, तो वो खुशी खुशी अपने घर जा रहा था कि अचानक आंगन से गुजरते टाइम फिर से उसका पैर ऊन में